वचने राम को दी यह मांग सुनाए। पहले चरण पखारूंगा, उनकी रज को झारूंगा, पान करूंगा चरणामृत नाव के जादू भरी पद रज है तुम्हारी। इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, संकट भारी एक नारी का। कठिन है पालन कैसे पालूंगा दो दो नारी। केवट प्रभु के पांव पखारन हेतु कठौती में जल भर लाया। पांव पखार पिया चरणामृत फिर प्रभु को नौका में बिठाया। अवसर आया देने लगी वैदे ही अंगूठी तो नावे सर के वच ने हिलाया। देने लगी वैदे ही अंगूठी तो नावे सर के वच ने हिलाया। सुनो मेरी विनती राम सरकार, राम सरकार सिया सरकार। नाई धोबी धीमर के बट और लोहार सुनार, हर एक दूजे से लेन मजूरी जिनका एक व्यापार। मैं नदिया का केवट तुम भव सागर तारनहार। राम प्रभु मेरी मजदूरी तुम पर रही उधार। राम सरकार सिया सरकार। केवट ने जो मांगी उतराई, मन ही मन प्रण किया रघुराई। उतराई अवश्य छुपानी है रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। केवट को वचन देकर मुस्कुराते हुए विदा लेकर सिया सहित वन मार्ग पर चल दिए युगल किशोर। हो लिया संग निषाद भी बधाने की डोर। सानुज सिया सहित रघुनंदन गंगा जी का करके वंदन। भरद्वाज के आश्रम आए मुनि को विनय प्रणाम जनाए। ऋषि ने प्रभु को हृदय लगाया अकथनीय परमानंद पाया। कुशल पूछ आसन बैठारे पद पूजक मुनि भय सुखारे। कंद मूल फल परस कर अति प्रसन्न ऋषिराज। ज्ञान ध्यान तप योग जप
सफल भए सब आज। करुणि से सत्संग प्रभु किया तहरे न प्रवास, तंद्रावस्था में हुआ आध्यात्मिक आभास। मुद मंगल देनी ओ राम प्रयाग महात्म बखाना, तीर्थेश्वर यह सरस सुहाना। मंत्रों से अनुगुंजित ओ तीर्थेश्वर की महिमा गाकर, आश्रम में पुनि आए रघुवर। शुभाशीष मुनिराज से मांग रहे पूछ रहे वनवास को जाए कहां मुनीश। मुनि बोले तुम में जगत बसा, तुम विद्यमान सर्वत्र सदा, तुमको क्या राह सुझानी है। रामायण सिया राम की अमर कहानी।